गली में माल्टे बेचने वाले आए हुए, चेक करें। ये मोइस, मोइस आप क्या कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पे? मोइस क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? इधर देखो, ये सब लोग आपको देख रहे हैं। इधर देखो, क्या कर रहे हो? मैं भाई ये खेल रहा है, खेल रहा है। तो ईद मुबारक ही करो सर। वालेकुम सलाम जी, साहब व्लॉग बना रहे हो? हाँ जी, ये हमारे प्यारे भाई नबील जिनके पास हम आए हैं, और इन वाला हिसाब मेरा भी यही हुआ हुआ है। ये मैं ठीक होता, मेरे वाल ठीक है। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज हमारा इरादा है यहाँ से, मुइज रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, ये देखें वो सामने मुइज रो रहा है, कार्टून देखता है मेरे मोबाइल में। मैंने इसको मोबाइल फ़ोन नहीं दिया कार्टून के लिए, तो ये रोने लग गया। तो फिर ये जाए नमाज ये वाली उठा उठा के नीचे गिरा रहा था, तो मैंने इसको एक थप्पड़ लगा दिया, जिसकी वजह से अब रो ही जा रहा है। मुझे 3-4 दिन से बुखार है, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब है। तो वॉइस में थोड़ा आपने कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि गले की मुझे नहीं समझ लगती कि यार इसका क्या हल होगा। मैं तो 4 दिन से मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक गला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो बस प्लान यही है कि अभी यहीं से निकलेंगे। मैंने नाश्ता कर लिया, घर जाता हूँ दूसरे, वहाँ से मैंने अपने कपड़े उठाने हैं, कपड़े चेंज करने हैं। कपड़े चेंज करके घर से गाड़ी निकालते हैं, उसमें थोड़ा मसला है फ्यूल पंप का, तो वो फ्यूल पंप चेंज करवाते हैं। ये अब छत पर जाने लगे हैं और आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं। मौसम बड़ा ही फेव किस्म का हुआ पड़ा है, धूप यहाँ पर नहीं निकल रही, कभी निकल जाती है कभी नहीं। ये मौसम चेक करें आप यहाँ पर। फ्रेंड्स, मौसम बहुत मज़े का हुआ हुआ है यहाँ पे, बारिश का। ये देखो बादल आए हुए हैं, उम्मीद तो है कि आज बारिश होगी, जो मौसम है, और इस मौसम में हम निकलेंगे। वैसे इस मौसम में निकलने और घूमने का यार मज़ा ही अलग है। ये देखें ना, बादल चेक करें, ये ऊपर वाली स्पेस है हमारे घर की, और ये घर मेरा ससुराल है। मैं अपने घर जाऊँगा अभी, आपको अपना घर भी दिखाता हूँ, और मैंने अपने घर से कपड़े चेंज करने हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। यार सर, मुझे टेंशन पता है किस चीज़ की है? टेंशन मुझे ये है कि मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी ठीक करवानी है, फ्यूल पंप, तो उस पर मुझे तकरीबन घंटा लगेगा, लेकिन उससे पहले घंटा लगेगा मैं कह रहा हूँ कि पहले अपने कपड़े चेंज कर लूँ। कपड़े चेंज करने के बाद जुमा पढ़ के किसी से टाइम ले कर उसका फ्यूल पम्प डलवा के फिर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी नीचे बाइक खड़ी है, बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक निकालते हैं और मैं अपने घर जाता हूँ। फिर वहाँ से मैं आपको तकरीबन, ये सामने मस्जिद देखो यार, मस्जिद का कितना प्यारा व्यू है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। साथ में ही मस्जिद है, ये देखें मस्जिद, देखें कितनी खूबसूरत है, ये देखें, ये चेक करें, अल्लाह पाक का घर कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। व्यू चेक करें कितना प्यारा है। अच्छा यार, कभी एक और चीज़ नोट की है आपने? सुबह सुबह परिंदों की जो आवाज़ होती है यार, बंदे को फ्रेश कर देती है। अभी सुबह सुबह जो परिंदों की आवाज़ आ रही है यार, इसने मूड बिल्कुल अच्छा कर दिया है। तो यहाँ से बंदा तरोताज़ा हो जाता है, थोड़ी बंदा एक्सरसाइज सुबह सुबह उठ के कर ले तो क्या ही बात है, तो बंदा यहाँ से फुल फ्रेश हो जाता है। अब परिंदों की आवाज़ इतना मज़ा कर रही है ना, अब ये देखें, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, ये चेक करें। और यार मेरे मुड़ने तक तो वो उड़ के भी चली गई है, यहाँ पर 2 गुलशन बैठी थी, और बड़ा खूबसूरत लगता है यार सुबह सुबह उठ के ना, परिंदों की आवाज़ें आना, फिर ये गली में माल्टे बेचने वाले आए हुए, चेक करें। ये देखें फ्रेंड्स, मोइज को सुबह सुबह थप्पड़ लगे हैं, और ये मोइज नखरे में लेटा हुआ है ना। मोइज आजा, भाई बारिश आ रही है, आजा बाहर आजो।
भाई तो सर्दी का माहौल है यार, मैंने कहा जैकेट पहन लूँ, ये ना बारिश आ जाए। बारिश का बड़े अमकान है, मौसम आपको मैंने दिखाया है। तो दोस्तों मैंने मोइज़ को सुबह थप्पड़ लगाया था जिसकी वजह से मुझसे नाराज़ था, लेकिन ये दोबारा आ गया है और ये इस वक्त हैप्पी मूड में है, बाबा के पास आया है। मोइज़ आपको किसने मारा था? बाबा ने। क्यों शरारत कर रहे थे आप? शरारत कर रहे थे आप, बताओ। तो भाई अब इसको शर्म आ रही है, ये नहीं बता रहा, लेकिन सुबह इसने शरारतें की हैं, इसको थप्पड़ लगा तो ये नाराज़ होके अपने नाना अब्बू के पास चले गए थे, तो अभी आए हैं तो दोबारा हैप्पी मूड में है। आपको इसके फेस से पता चल रहा होगा, अब ये दोबारा शरारत के मूड में है। तो फ्रेंड्स मैंने बाइक बाहर निकाल ली है घर से, और मैं पहले अपने दोस्त के घर जाऊँगा, उसको उठाता हूँ, वो सोया हुआ होगा अभी। तो विकास, ये इस वक्त मैं दोस्त के घर के बाहर खड़ा हूँ, मैंने दरवाज़ा खटकाया है, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अभी सोया हुआ होगा या शायद उठ भी गया हो, तो दरवाज़ा खटका दिया मैंने, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं। आपको दो दफ़ा दरवाज़ा खटकाया, दरवाज़ा खटकाने से दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैंने उनका मेन दरवाज़ा खटकाया, छोटा भाई उसका निकला है, कह रहा है वो अपने कपड़े प्रेस कर रहा है, तो कॉल मैंने उसको की, कॉल उसने नहीं उठाई। तो ये दोस्तों मैंने इसको उठाया और ये नहुसत के काम चेक करें यार, तो दबो यार, ये अभी उठा, सुबह व्लॉग क्यों बना रहा है ना तक गार यार, ये सुबह सुबह भाई 11 बज रहे हैं, ये कह रहा है कि अभी मैं सुबह सुबह का टाइम है, जो मैंने 6 बजे इसको जैसे आके उठा दिया, फजर की नमाज मैं अभी सो के उठूं यार, ना तंगा ना सुबह सुबह। फ्रेंड्स विकास को मैंने उठा लिया है और वो अभी नहाने के चक्कर में कपड़े प्रेस करके वो आ गया था, जितनी देर में उसने नहाना है इतनी देर में तो मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगा अपने घर जाके, घर साथ करीब ही है। और यार गाड़ी का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि गाड़ी अगर मैं लेके अब गया वर्कशॉप पे तो 12 बजे तकरीबन सारी वर्कशॉप क्लोज़ हो जाती हैं, तो काम भी नहीं होगा, लेट हो जाऊंगा, तो बाइक पे ही टूर करेंगे। साथ ही हरनौली शहर है, उधर जाना है, उधर बहनोई रहते हैं, मेरे फूफा भी रहते हैं, तो उधर जाने का इरादा है। बहनोई की कॉल भी आई है कि आ जाओ यार, मौसम अच्छा है, वहाँ जा कर इन्जॉयमेंट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ये फ्रेंड्स इस वक्त मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ और ये मेरे घर का व्यू है, बिल्कुल सामने मेरा घर है, ये मेरा घर है और मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं अपने घर पर मौजूद हूं और ये मेरे साथ मेरी भांजी, ये पता नहीं क्यों परेशान खड़ी है, इसे पूछते हैं। मेरा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मिला को, क्या हुआ? ये गाड़ी है हमारी सेल की जिसका फ्यूल पंप डलवाना है, और वो बाइक वहाँ पर खड़ी है, और ये फ्रेंड्स मेरा घर है, वो सामने रूम है, ये बैठक है। तो फ्रेंड्स कपड़े वगैरह मैंने चेंज करके नहा धो के जुमा शुमा पढ़ लिया है, और जुमा पढ़ने के बाद मैं विकास के घर आया हूँ और निकलने लगे हैं हरनौली के लिए। ये बाइक हमारी तैयार है, बाइक पे जाएंगे और बाइक विकास भाई चलाएंगे, ये विकास भाई चाबी, और निकलने लगे हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ क्या कुछ करते हैं सब कुछ आप लोगों को दिखाएँगे। तो फ्रेंड्स हरनौली जाते हुए रास्ते में मैंने ये आगाज़ हाउसिंग प्रोजेक्ट देखा, जो कि हमारे शहर पिपला में बन रहा है,
तो मेरे ख्याल से मियांवाली के अंदर सबसे बड़ा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो यही आगाज़ हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये आप करीब से देख लें। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे ज़िले में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि हमारे शहर पिपला में बन रहा है। अब मुझे इसके रकबे का तो नहीं अंदाज़ा कि कितना है, ये तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं इसको क्रॉस करते करते, तकरीबन इतना वसी इसका रकबा है जो कि हमारे शहर पिपला में इस वक्त बन रहा है। दोस्तों मुझे आपने ये बताना है कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो कैसा लग रहा है आपको? अभी झिझक है मुझे बोलते हुए, मतलब एक वो एक्सपीरियंस नहीं है जो आम यूट्यूबर्स व्लॉग करते हैं और वो अपना साथ में बात बात करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो आपने मुझे बताना है कि क्या मेरी वीडियो अच्छी बनी है, एडिट अच्छी हुई है, अगर किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो दोस्तों इस वक्त हम हरनौली पहुंच चुके हैं, ये पीछे विकास भाई और भाई नबील ऊपर बैठे हैं यहाँ पे, तो अभी उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं पहले से बैठ के, और उसके बाद कोई प्रोग्राम बनाते हैं निकलने का बाहर। तो ये ऊपर जा रहे हैं इस वक्त। क्या हाल है भाई जान आपकी? ईद मुबारक ही करो सर। बैठो सर, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सारे लोग बना रहे हो? हाँ जी, ये हमारे प्यारे भाई नबील जिनके पास हम आए हैं, और तशरीफ रखो सर। इन वाला हिसाब मेरा भी यही हुआ हुआ है, ये मैं ठीक होता, मेरे वाल ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हरनौली से मैं वापस आ चुका हूँ और मैं मौजूद हूँ अपनी छत पर जहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, अपने घर की छत पर। और ये मोइज़ आप क्या कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पे? मोइज़ क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? इधर देखो, ये सब लोग आपको देख रहे हैं, इधर देखो क्या कर रहे हो? भाई ये खेल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।